मते मो पई एक आनंद क्षण ए पई आनंद क्षण जे मु ए अंचल को 83 मसे रो आछी 40 वर्ष रे नारक संगे संपर्क एसी नारकर कॉलोनी आरंभ हवा दिनु विजयना बाबू को घरु ए अंचल रो प्लांट ए अंचल रो पावर प्लांट एडी हमर माधव नाम होय ब्रह्मानंद नाम के बोलते नहीं थे हमारा सब बहुत पुराना बंधु मान अच्छे दिन संपर्क ये आम भारतीय मजदूर संघ ठिका मजदूर संघ र 25 वर्ष है 25 वर्ष रे आपण माने ठिका श्रमिक मानक अनेक नेतृत्व नहीं दायित्व नहीं काम को सफल सह सफलतार सह क्रियान्वयन कर दावी हासिल कर समस्त सफलता धन्यवाद दूसरे नालको जो कि सीटी रेकग्नाइज यूनियन ये भी भारतीय मजदूर संघ अतीत अंचल श्रमिक मानक आशीर्वाद पाई बार्गेनिंग टेबुल पर्यंत पहुंच बार्गेनिंग टेबुल आज भी तो आपने कितु सोल बार्गेनिंग एजेंट भाव आपत काम करते कर्पोरेट अफिस भाई मैंने आतीत किदिन ते जा दामनजोड़ी दामनजोड़ी भी से केवल मजदूर संघ नुह विभिन्न मजदूर संघर बंधु मानक भेट हर सुजोग मिलना ये विनय भाई कहते जो मु मजदूर संघ को अनेक आंदोलन मानने मिशी आय मजदूर संगठन मानक विरोध करके क्षमा चाहिए असहमत हो गोटे स्तर को एपर्तन आसी सब मजदूर संघ आपण मैंने आमको नहीं लड़ुन आप सब मिसिक अच्छा मिसिक रही दरकार आपंकर जेबीसीसी अच्छी जेसीसी अच्छी आपंकर विभिन्न कमिटी अच्छी मजदूर संगठन गुड़िक एकाठी रहा दरकार कमन मिनिमम प्रोग्राम एकाठी होगा दरकार मुझे से सहमत कोई संगठन आईएमसी हो एचएमएस हो कम्युनिस्ट बंधु मानक हो पे जे पर्यंत नेतृत्व गरीब लोक मानक कथा उठाऊ गरीब लोक मानक हक लड़े कर जो भी संगठन हो समर्थन करवा दरकार मुझे अतीत समर्थन कर आज भी कर अलग कथा मु मजदूर संघर कार्यकर्ता मुजेपी कार्यकर्ता तासह मजदूर संघर कार्यकर्ता मोर यह आंदोलन में विश्वास मजदूर संघर अनेक कथा पादे ठेंगड़ीजी बही पढ़ा ठेंगड़ीजी भाषण शुणा यह अंचल को संगठन करने आमर आदरणीय सरोज मित्र कृष्ण मिश्र पीसी जुमड़े राम प्रकाश मिश्र बसंत राय अनेक राष्ट्रीय नेता मान सा मत भी व्यक्तिगत भाव मिशवार सौभाग्य मिले ये पर सौभाग्य मिले विशेषकर मोर आकर्षण ठिका श्रमिक मानक अधिकार रही एक प्रकार गोटे ग्यारंटी भितर रही चाकर निर्दिष्ट ग्यारंटी अच्छी मेडिकल ग्यारंटी अच्छी पाठ पढ़वार ग्यारंटी अच्छी विभिन्न आलाउंसेस अच्छी क्वार्टर अच्छी पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट अच्छी समान काम ठिका मजदूर कलापर भी ताग्य सब कथ गुड़िक ना परिश्रम तो बोलू पादिन श्रमिक अंचल बाहरी पादिन मुझे बहुत पाखु देखी मोर पूरा मत स्पष्ट मत जे समान काम तथा अधिका काम करवा बेल ठिका श्रमिक मैंने संश्लिष्ट था मोर सौभाग्य जिते केन्द्र में प्रथम प्रथम मंत्री हेली आमर से अर्थमंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली थे अरुण जेटली नेतृत्व में से मोदी सरकार मोदी जी गोटे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर माने थे अनेक लेबर मंत्री बदलुले नरेंद्र सिंह तोमर लेबर मंत्री किसीदिन थे किसीदिन बंदारू दत्तात्रेय भी थे किसीदिन संतोष गंगवार थे ये सब लेबर मंत्री बदलला पर भी भाई भूपेन्द्र यादव अच्छा ये सब लेबर मंत्री बदलला पर भी
ଆମେ ଦୁଇ ତିନିଟା ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲୁ, ପିୟୁଷ ଗୋଏଲ ମହାଶୟ ସେଥିରେ ଥିଲେ, ମୁଁ ବି ଥିଲି। ଜେଟଲୀ ମହାଶୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ପିୟୁଷ ହେଲା ମାଲିକ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ହେଲା ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି। ମୁଁ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ସହକାରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଦେଶରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ବୋଧ ହୁଏ 2007-08 ମସିହା ହେବ, 43% ଇନକ୍ରିଜ ନା ଆଗରୁ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ତାକୁ କରିପାରିଛୁ। ସର୍ବାଧିକ ବୃଦ୍ଧି ଦେଶର ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀରେ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୱେଜେସରେ ମୋଦି ସରକାର ହିଁ କରିଥିଲା। ଅନେକ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସ୍କିମ୍, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ, ପାଠ ପଢ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ, ସବୁ ଅନେକ ଆଜି ତ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ହେଲା, ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟିର ନେଟ୍କୁ ଆଣିବା, ଇପିଏଫ୍ଓ ର ବର୍ଦ୍ଧିତ ସଂଖ୍ୟା ତାର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। ଆଜି ଇଏ ସବୁ ସୁରକ୍ଷାରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଅଧିକା ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା ଦରକାର। ଦେଶ ବନ୍ଧୁଗଣ ବଦଳୁଛି, ଦୁନିଆ ବଦଳୁଛି, ଶ୍ରମର ଡେଫିନେସନ ବଦଳୁଛି, ଶ୍ରମର ଡେଫିନେସନ ବଦଳୁଛି, ଶ୍ରମର ଚରିତ୍ର ବଦଳୁଛି। ତା ଭିତରେ ଆମର ଶ୍ରମିକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ବିଶେଷ କରିକି ତଳେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମାନେ ସ୍କିଲ ଯୋଉଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଅପ୍ସ୍କିଲ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ରିସ୍କିଲ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଏସବୁ ଭିତରେ ଯୋଡ଼ିକି ରଖିବା, ତାର ମାନ ସମ୍ମାନ ଗୁଡ଼ିସବୁ ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ପଇସା କେମିତି କେମିତି କିଛି କିଛି ମିଳିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ବି ମିଳିବା ଦରକାର, ତାର ଇଜ୍ଜତକୁ ବି ମିଳିବା ଦରକାର। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ଇଜ୍ଜତର ଅଭାବ ଥାଏ। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ବିଗତ 9 ବର୍ଷରେ ଏଟା ସଂଯୋଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର, ଯିଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ 2-2 ଥର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛି, ତାକୁ 9 ବର୍ଷ ପୁରିବ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଜାରି ରହିଲେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଚାଲିବ।